हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का विद्यामेत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिक्स के सेकेंड पेपर ऑप्टिक्स पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे पेपर पर डिस्कस कर लिया हुआ है, जिसका प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और इस पेपर के अंदर आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो नोट में यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी ईच, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क एंड सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ओके, अगर आपने बीएससी को हिंदी में चुन रखा है तो हिंदी में भी आप यहां पे पढ़ सकते हैं चीज़ों को। ओके, तो क्वेश्चंस आपकी यहां से शुरुआत होती है, राइट। यहाँ पे क्या है कि आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें जो है कि टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 5 क्वेश्चन जो है कि करना कंपलसरी है। ओके, जैसा कि शुरुआत में ही यहाँ पे बोला गया है, ओके क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन को आप देखते चलिएगा। ओके, और इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर सी, राइट टू मेन डिफरेंसेज बिटवीन न्यूटन स्प्रिंग्स एंड माइकलसन स्प्रिंग्स, राइट। ये क्वेश्चन नंबर सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार पूछा जाता है। और यहाँ पे डी वाला, जैसा कि देख सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेनल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, राइट, क्वेश्चन नंबर डी। ओके, हिंदी में भी आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। उसके बाद ई वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, राइट, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप लगा लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर ए में, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर ए में कह रहा है कि आंसर नॉट एक्सीडिंग 1000 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 1000 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, राइट। और इसमें जो है कि आप क्वेश्चन को यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, राइट, आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। वही क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में भी लिख रखा है, राइट। चलिए अब इसमें सेक्शन ए में जो है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देखिएगा सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर ये 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 भी, आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, एक्चुअली एग्जाम में आए हैं तो सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, बट आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को। और इसके बाद आते हैं हम सेक्शन बी में, राइट। इसमें क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो भी है वो 500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए सेक्शन बी के अंदर। तो सेक्शन बी में देखिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, सेक्शन ए में, सॉरी सेक्शन बी में, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 ए वाला यहाँ पे दे रखा है, राइट। यहाँ पे आप देखिएगा, स्टेट फॉर्मेट प्रिंसिपल डिड्यूस स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग फॉर्मेट प्रिंसिपल, राइट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट ही है, राइट, क्वेश्चन यहाँ पे बी वाला। ओके, आई होप कि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, हिंदी में भी यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। चलिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 में ए वाला, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग्स एंड रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे क्या लिख रखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, वाई द सेंट्रल स्पॉट इज डार्क, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी ये भी क्वेश्चन जो है कि पूछ ही दिया जाता है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स स्प्रिंग्स ऑफ इक्वल थिकनेस एंड इक्वल इंक्लिनेशन, गिव द एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ देम विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, राइट, हिंदी में भी यहाँ पे दिया होगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा प्रश्न। ओके, चलिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, यहाँ पर जो है कि ये वाला क्वेश्चन, राइट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 का, ये ए वाला,
राइट, क्वेश्चन के यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, तो इसके बाद जो है कि राइट, यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 9 में, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, राइट, इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है, जिसके अंदर ये वाला जो इम्पोर्टेंट होता है, राइट, ये वाला, ए वाला, राइट, हाइजन नेत्रिका। ओके, तो आई होप कि आपने इस पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और मैं आप तो यही कहूँगा कि पूरे पेपर को आप बढ़िया से, मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी स्टडी कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इनमें से, राइट। सो थैंक्स फॉर